2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को बरी किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस जनों ने टाउन हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती गैर हिंदू महिला के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी 3 वर्षीय बेटी की हत्या किए जाने की घटना के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को रिहा करने और सरकार द्वारा माफीनामा दिए जाने के विरोध में कांग्रेस जनों ने टाउन हॉल में मौन धरना देकर आक्रोश व्यक्त किया और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। गुजरात दंगों में बिल्किस बानो जी के साथ, जो कि उस दौरान गर्भवती थी, 11 लोगों ने गैंगरेप किया, उनकी 3 वर्ष की बच्ची की उनके सामने हत्या की, उनके परिवार वालों की जघन्य हत्या उनकी आंखों के सामने की। ऐसा जघन्य अपराध उन लोगों ने किया जिसकी सीबीआई जांच के बाद सन 2008 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा पड़ी। और जब 15 अगस्त 2022 को एक और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक उसी दिन गैंगरेप के इन आरोपियों का छोड़ा जाना घोर निंदनीय है। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरीके की मर्सी गुजरात सरकार द्वारा दिखाई गई है, क्या जो आजीवन कारावास काट रहे दूसरे गैंग के आरोपी हैं या भविष्य में जो लोग गैंगरेप करेंगे वो इसका लाभ नहीं लेंगे, वो इस मर्सी पिटीशन को आधार बनाकर इसका लाभ नहीं लेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। केरल में आयोजित हुई नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर जबलपुर लौटी पावर लिफ्टर श्वेता राजपूत का शहर में भव्य स्वागत हुआ। वहीं उनका लक्ष्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीतने का है। केरल में पिछले सप्ताह आयोजित हुई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 43 किलोग्राम जूनियर वर्ग में जबलपुर की पावर लिफ्टर श्वेता राजपूत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मेडल जीतकर शहर लौटी श्वेता ने बताया कि जबलपुर से उसके साथ 3 लड़कियां और 1 लड़का भी गया था और सभी ने अपना बेस्ट दिया है। मेरा सिल्वर मेडल लगा है, ओवरऑल स्क्वाट में गोल्ड और बेंच प्रेस में 3rd बॉडी वेट से हो गया था मेरा, 7 किलो से मेरा गोल्ड मेडल चला। मैं 5 साल से जिम कर रही हूँ और 2019 में मैंने पहले टूर्नामेंट खमरिया में खेला था और अभी इस नेशनल के लिए भी पहले डिस्ट्रिक्ट मैं जबलपुर कॉरपोरेशन से खेलती हूँ। लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खेलने गई थी जो कि 14 तारीख को वहाँ से वापस आई, उसका भव्य स्वागत माननीय श्री लाल साहब अल्बर्ट फ्रैंक जॉन सर ने अच्छा स्वागत किया और उनके मार्गदर्शन में वो बीएफजे हेल्थ क्लब से खेलती है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं श्वेता का अब अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक जीतने का लक्ष्य है। ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ एक गुजुट हुए प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने दमोनाका चौक पर उनका पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। दमोनाका चौक पर मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण समाज के द्वारा भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी का पुतला दहन किया गया। सदस्यों ने बताया कि प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई थी जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसीलिए उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री इस कृत्य के लिए माफी मांगे, प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे ब्राह्मणों से, अन्यथा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष के भी हम पत्र जलाने में बस होंगे। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज किसी राजनीतिक दल से के प्रति ना तो अनुराग रखता है ना कि विराग रखता है, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक जो सत्ता दल में बैठा हुआ उनके पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ताइक्वांडो कोच के द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ किए जाने का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कोच को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके ताइक्वांडो कोच उड़िया मोहल्ला निवासी राजकुमार यादव के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और विरोध करने पर उसको धमकी भी दी जा रही थी। पीड़िता की शिकायत पर मामले को जांच में लेकर राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, कल एक नाबालिग बच्ची के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है।
कि उसके कोच एवं अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बताने वाले राजकुमार यादव निवासी उड़िया मोहल्ला के द्वारा उसके साथ में लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, परेशान किया जा रहा है उसको, और उसके द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उसका भविष्य खराब करने की धमकी दी जा रही है। इस बात पर FIR दर्ज की गई है, आरोपी राजकुमार यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने धारा 354 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासनिक रिकॉर्ड में मृतकों की कुल संख्या 811 हो चुकी है। वहीं शनिवार को प्राप्त हुई 267 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में से 6 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शनिवार को 267 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, इसमें से 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 5 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। नए संक्रमितों को मिलाकर एक्टिव केसों की संख्या 33 हो गई है। बारिश की खेप लेकर आए मानसूनी बादल शहर में बरसे और शहरवासियों को तरबतर कर दिया। मौसमविदों ने बताया कि बारिश का क्रम संभाग के कई स्थानों में जारी रहेगा और गरज चमक के साथ वर्षा होगी। वहीं जिले में अभी तक लगभग 33 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। आसमान में छाए काले घने बादल रुक रुक कर बरसते रहे और बारिश की फुहारे शहरवासियों को भिगोती नजर आई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जबलपुर संभाग के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और अभी तक जिले में 826.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। शहर के प्रमुख स्थलों में शुमार गंजीपुरा में बार बार अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही किए जाने के बाद भी दोबारा अस्थायी अतिक्रमण काबिज होने लगे हैं, लिहाजा यहां आने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंजीपुरा मार्केट में काबिज अस्थायी अतिक्रमण परेशानी की वजह बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाए गए, लेकिन दोबारा उन्हीं स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण काबिज हो गए हैं, जिसके कारण न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि लोगों को खरीदारी करने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। गंजीपुरा में बहुत दुकानें बढ़ा के लगाई हैं, ऊपर तक बिल्कुल लगाई हैं, निकलने की जगह ही नहीं मिलती है, इतने ट्रैफिक जाम हो जाता है, टू व्हीलर गाड़ी के लिए निकल नहीं पाते हैं और आसमान तक में लोग टांगे हैं, पन्नी अन्नी बांध लिए हैं, मतलब बहुत ज्यादा अतिक्रमण करे पड़े हैं लोग। शहरवासियों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।